हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आई एस एंड पी चैनल में और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो अभी तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है uh, जिसमें कि आपको रिजल्ट्स और एग्जाम शेड्यूल्स ये सारी चीज़ें हम लोग बताने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं हम पहले इसके बारे में जैसे कि ये रहा आपका पहले से मैं पब्लिक नोटिस इसमें आप देख लें ये एन की तरफ से ही है और इस नोटिस में साफ़ साफ आपको दिख रहा है कि फेज़ जो है अभी चल रहा है फेज़ सेकंड का दिसंबर में जिसमें कि डेट आपकी जो मेंशन है ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी फोर दिसंबर ट्वेंटी सिक्स दिसंबर और ट्वेंटी सेवन दिसंबर तो ये एग्ज़ाम फ्रेंड्स चल रहे हैं है, है ना तो ये सारे कुछ मेंशन है ये ये देख लीजिए आप यहाँ पे ठीक है और इसमें आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो अभी ट्वेंटी फोर वाला हो चुका है जिसकी ये हम लोग प्ले लिस्ट में डाल देंगे उसकी जो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे मैंशन कर देंगे आप अभी हमसे जुड़े रहिएगा इसके बाद में आपको ट्वेंटी सिक्स दिसंबर का ठीक है आज का जैसे कन्नड़ा हिंदी ग्रुप वन हिंदी ग्रुप टू है ना तो ये शिफ्ट वन शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू में ये ये कंडक्ट होगा और ट्वेंटी इसके बाद में आप देखिए ट्वेंटी सेवन दिसंबर में तो ये देखिए ये वाला तो ये वाला आपका हो जाएगा संस्कृत और होम साइंस का इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट नोटिस भी लेके आए हैं इसके बाद आप नेक्स्ट नोटिस और देख लीजिए इसके बाद में फ़ेज़ थर्ड भी देखिए ये यहाँ पे हो चुका है है ना तो फेज़ थर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम है तो वो देख लीजिए आप यहाँ पे आपको इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी ये देखिए सोशलॉजी का है सोशलॉजी आपका हो जाएगा फोर जनवरी को ठीक है एक सेकेंड ये देख लीजिए आप आई थिंक आप, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा फोर जनवरी को हो जाएगा ये वाला सोशलॉजी का उसके बाद में आपका जोग्राफी का है ग्रुप वन का जो होगा वो फाइव जनवरी को होगा ओके और ये शिफ्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ उसके बाद में जोग्राफी ग्रुप टू होगा फाइव जनवरी शिफ्ट टू में हो जाएगा और सोशल वर्क जो आपका है वो है आपका फोर्थ जनवरी में और लेबर वेलफेयर आपका फोर्थ जनवरी में ठीक है और ये दोनों ही शिफ्ट वन शिफ्ट वन में ही है इसके बाद में आपका उड़िया जो है उड़िया वाला ये वाला फोर जनवरी को होगा और फिर शिफ्ट टू में होगा तेलुगू का भी शिफ्ट टू में होगा फोर जनवरी को होगा ठीक है तो फ्रेंड्स uh, ये वाले जो फेज़ थ्री के जो एग्ज़ाम्स हैं ये जो अफेक्टेड बाई साइक्लोन जो पोस्टपोन करे गए थे वो वाले एग्जाम्स हैं ये आपको इसके अंदर मिल जाएंगे और इसके बाद में फिर आपको क्लियर कर दें जैसे अभी जो रिज़ल्ट के लिए है जो मेनली रिज़ल्ट का हम देख रहे हैं कम से कम फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज़ मान के चलिए कि रिजल्ट uh, जब आएगा तो फिफ्टीन ट्वेंटी डेज़ आफ्टर ही आएगा तो फाइव जनवरी को ये ख़त्म हो रहे हैं जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तो फाइव जनवरी को जो फ्रेंड्स जब ये खत्म होंगे तो आप मान के चलिए कि फ़िफ्टीन टू ट्वेंटी डेज़ इतना तो टाइम लगता है और इन बिटवीन दिस ठीक है इसके बीच में ही आपका जो रिज़ल्ट है ठीक है जो रिज़ल्ट है वो इसके बीच में ही रिज़ल्ट के बीच में ही सॉरी फ्रेंड्स रिज़ल्ट के बीच में ही आपका जो आंसर की है वो आएगा और आंसर की जब आपके आएंगे तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन के लिए भी टाइम दिया जाएगा ठीक है और ये ज़्यादा दिन के लिए विंडोज़ नहीं होती हैं थ्री टू फोर डेज़ के लिए होती है तो इसमें जैसे आपको ऑब्जेक्शन अगर सबमिट करना है आप अगर क्वेरी डालते हैं तो हम लोग उसके लिए भी वीडियो बना देंगे तो ऑब्जेक्शन जैसे आपको उसमें करने हैं तो उसके लिए वन थाउजेंड फीस लगती है पर क्वेश्चन ठीक है तो ऑब्जेक्शन आप उसमें कर सकते हैं इसके बाद में फिर आपका अनाउंस करा जाएगा डिक्लेयर करा जाएगा रिजल्ट जिससे कि हम मान के चल रहे हैं कि जनवरी जनवरी पीरियड में ये हो जाएगा और इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बचता है वो ये बचता है कि जैसे कि जो न्यू फॉर्म आने वाले हैं क्योंकि अभी जो कोविड की वजह से जो सिचुएशन है तो एग्जाम नहीं हो पा रहा है कि ईयरली मतलब टू टाइम्स कंडक्ट कराया जा सके अभी एक ही बार हो पाया लास्ट ईयर का भी अब हो पाया है और अभी भी वो जनवरी तक कंडक्ट हो रहा है जबकि उम्मीद ये थी कि दिसंबर में हो जाएगा तो जैन में मिड वीक तक रिजल्ट हमारे हाथ में होता है बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हम ये मान के चलते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब ये सब देख रहे होंगे प्रोसेस आंसर की वगैरह का हो सकता है कि इन बिटवीन दिस जनवरी में मिडिल वीक में आ जाए या फिर ये हो सकता है कि मतलब uh, मान के चलिए कि आपको टेन टू फाइव डेज का ही डिफरेंस uh, देखने को मिलेगा या तो बिफोर या फिर आफ्टर ठीक है या तो बिफोर यानी कि आपके रिजल्ट से पहले आ जाएंगी फॉर्म्स या फिर उसके बाद आएंगे इतना ही फ़र्क रहेगा फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा क्योंकि हम पहले के जो एनालिसिस है उसके ऊपर ही सारी रिसर्च करके देख करके काफ़ी सारे चीज़ों को समझ करके ही बता रहे हैं काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं तो उसकी वजह से जो फॉर्म है वो पहले ही करा जाएगा क्योंकि उसके बाद काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं आपको मालूम ही होगा उसमें फिर फॉर्म फिलअ का रहता है उसके बाद करेक्शन विंडो रहता है है ना तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो इस बार कोई प्रॉब्लम और इश्यूज़ ना आए क्योंकि हर बार यही हो रहा है पेंडेंसी ज़्यादा हो रही है तो एंटी भी जाएगा कि बर्डन ज़्यादा ना रहे तो इसलिए फॉर्म भी साथ के साथ दिए जाएंगे बस वो बिफोर होता है या आफ्टर होता है बस उतनी बात है और टेन से बस फाइव टू टेन डेज का ही आप डिफरेंस इसमें देख पाएंगे फ्रेंड्स इससे ऊपर नीचे नहीं होगा टेन टू फाइव डेज का ही डिफरेंस आएगा या तो पहले कर देंगे ये जब ये प्रोसेस चल रहा होगा रिजल्ट बिफोर या फिर रिजल्ट के बाद कर देंगे जैसे कि सारी चीज़ें स्मूदली मतलब एक टाइम शेड्यूल के अंदर कवर अप हो जाए और होगा इस बार में भी यही कि दिसंबर दिसंबर 2021 का जो फॉर्म है नेट जी का उसको मर्ज करा जाएगा जून 2022 वाले के साथ में ठीक है यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी जो आगे हम लोग इतनी देख रहे हैं जो डिले हो रहा है उसकी वजह से ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि इतनी रैंडमली नहीं हो पाएगा कि इतनी जल्दी जल्दी मतलब टू टू मंथ्स के डिफरेंस में तो नहीं हो सकता ना क्योंकि हर बारी हम अगर एग्ज़ाम देखें जब भी पोस्टपोन हुआ है तो वो सिक्स मंथ लेके ही चलते हैं इतना प्रोसेस में टाइम लगता ही लगता है इसे फास्ट ये काम नहीं हो पाता है तो मान के चलिए कि ये तो होने वाला है कि ये मर्ज हो जाएगा बाकी आपको जैसे आज जो पेपर कंडक्ट हुआ ट्वेंटी फोर को जो कंडक्ट हुआ ट्वेंटी सिक्स का होगा वो सारे पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे आप लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा नोटिफिकेशन बैल को भी आप क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा ठीक है और जिनकी एग्जाम्स हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट लगातार मेहनत करते रहिए पी वाई क्यू एस को देखिए कंसेप्ट क्लियर करिए और कॉमन वेज के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करिए क्वेश्चन ईजी हैं अगर आपने पढ़ाई की है तो ज़रूर कर पाएंगे कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है कंसेप्ट नॉलेज नहीं है तो पेपर बहुत टफ जाने वाला है क्योंकि एनालिटिकल सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कंसेप्ट बेस्ड आ रहे हैं एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करके ही क्वेश्चन बनाया जा रहा है क्वेश्चंस इजी हैं बट अगर आपने पढ़ा हुआ है पूरे साल आपने मेहनत करी है तो श्योर sure, श्योर sure इस बार आपका पेपर ज़रूर क्लियर हो जाएगा एंड आई होप सो ऑल डूइंग वेल सो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अप, आपके कोई क्वेश्चन हैं तो ज़रूर पूछिएगा थैंक यू वेरी मच ओके